Hello everyone, welcome to Kids Vision. So I am here again with a new video. So let's start the video. In this video we are going to learn conjunction and. So we are going to learn all the conjunctions. This is series I am going to start. So in this particular video we will learn conjunction and. So conjunction and काम कैसे करता है हमें इसको समझना है. ये जो है पर्टिकुलर क्या होता है, ये दो चीज़ों को, दो एलिमेंट्स को रिलेट करता है आपस में. तो हम समझेंगे अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके, जैसे सेंटेंस के काइंड्स भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से इसका कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है तो हम ये पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं. अगर वीडियो जो है आपको पसंद आती, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो देखिए पहले में क्या है, हमने लिखा है आई एट चॉकलेट. आई एट जो है एक है, चॉकलेट यहाँ पे एक चीज़ हो गई, इसमें भी आई एट है, दैट मीन्स इसमें भी आई एट, इसमें भी आई एट है. अब यहाँ पे चॉकलेट है, यहाँ पे बिस्किट है, बिस्किट जो है डिफरेंट हो गया है, चॉकलेट और बिस्किट डिफरेंट है, आई एट सेम हो गया. अब तीसरे सेंटेंस में चलते हैं, इसमें भी देखिए आई एट ये भी जो है सेम ही है, तीनों में एक ही है, और स्वीट यहाँ पे डिफरेंट हो गया है. तो यहाँ पे तीन हो गए हैं, ऐसे दो भी हो सकते हैं, दो आपको सेंटेंस मिल जाए. तो मैंने तीन सेंटेंस आपको एग्जांपल के लिए, चूंकि वो सिलेक्टेड दिए हुए हैं, अलग अलग सेंटेंस अलग अलग तरह के. तो देखिए इसमें जैसे अब तीनों में तो वही एक ही चीज है, आई एट, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, हम लिखेंगे आई एट, ऐसे लिखेंगे एक बार. अब हम जो है लिखेंगे चॉकलेट्स, चॉकलेट्स. अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे क्योंकि फिर लिखेंगे हम बिस्किट, क्योंकि तीन चीजें हो रही. अगर ये दो ही चीजें होती, आई एड चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, इस तरह से हम कर सकते थे, पर यहाँ पे तीन चीजें हैं, तो हम पहले जो दो चीजें हैं ना उन्हें आपस में कॉमा लगा के लिखेंगे बिस्किट्स, इस तरह से. और जब तीसरी चीज के बीच में हम कॉमा नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे एंड. अगर यही चीज दो होती तो खाली एंड लगता, कोई कॉमा नहीं लगाया था, बिस्किट्स एंड स्वीट्स, इस तरह से होता. तो तीसरा देखिए, एक सेंटेंस ये हो गया. देखिए इस तीन बड़े सेंटेंस को हमने जो है सेपरेट सेपरेट को हमने जो है एक सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया, एक में बदल दिया. और क्योंकि आई एट तीनों में सेम ही था, तो हमको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. अब ओमार इज ए टॉल बॉय, करीम इज ए टॉल बॉय इस सेंटेंस में है. तो इसमें क्या है, ओमार और इसमें है करीम. देखिए दोनों नाउन्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स सेम है. पहले सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट्स सेम है, और देखिए सब्जेक्ट और वर्ब एक ही है. तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब को एक लिखा, एंड कहाँ लगा है, ऑब्जेक्ट सारे अलग अलग हैं, तो ऑब्जेक्ट के बीच में लगा है. और इस सेंटेंस में देखिए क्या है, ओमान जो है क्या है, सब्जेक्ट है, और करीम भी सब्जेक्ट है. पर यहाँ डिफरेंट क्या है, इज ए टॉल बॉय ये भी है, इज ए टॉल बॉय ये भी है. तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, हमारा नाउन, हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, और ये जो सेम है इसे जैसे हमने आई एट को रिपीट नहीं किया, उसी तरह से इज अ टॉल बॉय हम रिपीट नहीं करेंगे. पर फिर भी इसमें और भी चेंजेस होगी, उसको समझना है. तो हम पहले लिखेंगे डिफरेंट क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन है, ओमार एंड करीम. तो हम दोनों के बीच में लगाएंगे ओमार एंड करीम. अब क्योंकि ओमार एक है तो इज लगा है, करीम एक है तो इज लगा है, पर अभी ओमार एंड करीम क्या हो गए, अभी ये हो गए दो, तो हम इस को इज नहीं करेंगे, अब हम इसको चेंज करेंगे आर में, ओमार एंड करीम आर. क्या लिखेंगे, टॉल. अब ये हो गए प्लूरल में, तो हमने लिख दिया बॉयज, अभी तो ये सिंगुलर थे, करीम इज ए टॉल बॉय एक था, तो अभी हम बॉय खाली नहीं लिखेंगे हमने, क्योंकि ये प्लूरल में हो गए इसलिए हमने अब बॉयज कर दिया. मोहन वेंट टू आगरा, देखिए मोहन वेंट टू आगरा, सोहन वेंट टू आगरा, सेम पैटर्न का सेंटेंस है. प्रैक्टिस के लिए देखिए, आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में पहले इसका आंसर क्लियर हो गया होगा. मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन क्या हो गया, वेंट टू आगरा, दोनों में सेम है, तो हमने लिखना है एक बार वेंट टू आगरा. ये देखिए अब ये बड़ा सेंटेंस हमारा बन गया एक सेंटेंस. अब देखिए तीसरा सेंटेंस ये अलग है, महेश इज प्लेइंग, महेश इज प्लेइंग. यहाँ पे क्या डिफरेंट है, क्रिकेट एंड कबड्डी, ये इस वाले सेंटेंस से रिलेट करता है ऊपर वाले. तो देखिए कि क्या है, महेश इज प्लेइंग, महेश इज प्लेइंग. अब यहाँ पे हो गया क्रिकेट, और क्या खेलता है वो, कबड्डी.
इस तरह से हो गया ये। और दिस लास्ट वाले को देखिए, ही केम हियर, ये हो गया। सॉरी मैंने तो आंसर पहले ही लिख दिया है, इस तरह से रहेगा, ही केम हियर आई वेंट देयर। तो ही केम हियर आई वेंट देयर, इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमने जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो दोनों पूरे सेंटेंसेस को एज इट इज लिखना है एंड लगा के। तो हम कैसे लिखेंगे, ही केम हियर एंड आई वेंट देयर। तो ये देखिए, होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। जय हिंद, जय भारत।